मैदान में उतारा है। सही राम के सामने बीजेपी से रामवीर विधुड़ी है। मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक है संजीव झा। संजीव जी, रोड शो निकाल रहे हैं आप लोग? आज सुनीता केजरीवाल जी अरविंद जी के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। आज साथ में सही राम पहलवान जी के लिए लोगों से वोटों का अपील करेंगे। लोग ये कह रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे। लोगों में काफी ऊर्जा है, काफी उत्साहित है, लोग बहुत गुस्से में। लोग ये कह रहे हैं तानाशाही बर्दाश्त नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जो हमारी भलाई का काम कर रहा है, अगर तुम उसको जवाब जेल में भेजोगे तो हम तुमको जवाब अरविंद जी के वोट से देंगे। तो काफी ऊर्जा है लोगों में देखिए, और भारी उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर है। इस बार जेल का जवाब लोग वोट से देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, ऐसे में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को बाहर आना पड़ रहा है, चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। देखिए, हम सबकी जिम्मेदारी है, सुनीता जी अपने धर्मपत्नी होने का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, लोगों का मनोबल कम नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि आज सुनीता केजरीवाल जी अरविंद जी का आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं। काफी कर्मठ विधायक माने जाते हैं आप, बुराड़ी से विधायक हैं आप, साउथ दिल्ली में आप रोड शो निकाल रहे हैं आप लोग। मेरी जिम्मेदारी में प्रभारी बनाया गया है इस लोकसभा का, मेरी जिम्मेदारी है। हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कैंपेन ठीक से हो, रोड शो ठीक से हो, इस करवाने की जिम्मेदारी वो करवा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर विधुड़ी का गढ़ माना जाता है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? मुझे लगता है देखिए, जनता ये ठान लिया है, जनता ये ठान लिया कि तानाशाहों की जगह इस देश में नहीं है। रामवीर विधुड़ी तो अपने विधानसभा जीत जाए बड़ी बात है, उनके विधानसभा में लोग कहते कभी दिखे नहीं, कभी कुछ किया नहीं, हम आखिर वोट क्यों करें? तो रामवीर विधुड़ी का जवाब तो उनके विधानसभा के लोग ही दे देंगे। इस लोकसभा के लोग भारी संख्या में, भारी मार्जिन से सही राम जी को जिताकर संसद भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ विधायक संजीव झा ने बताया कि बीजेपी की क्या स्थिति है यहाँ पर। दिल्ली से कैमरामैन नागेंद्र के साथ श्वेता गुप्ता।